चुनाव खत्म होते ही गर्जा बाबा का बुलडोजर। मेरठ में कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। फरार बदन सिंह पर घोषित भाग 2.5 लाख का इनाम। सरकारी पाक की जमीन पर अवैध कब्जा कब बनाएगी फैक्ट्री। फैक्ट्री पर प्रशासन बुलडोजर चलाकर 2.5 बीघा जमीन कराए मुक्त। आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर ने बचाए अपनी जान। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग चला रहा दगामार बसें। फिटनेस को लेकर सही नहीं उतरती उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें होता है बड़ा खेल। बस में नहीं सवार था कोई भी मुसाफिर, नहीं फिर हो जाता एक बड़ा हादसा। 25,000 का इनामी या तपती लेकर पहुंचा थाना आत्मसमर्पण करने। पुलिस से जान बचाने की गुहार लगाते हुए अपहरण का आरोपी गौतम सिंह पहुंचा थाने। छपिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गल्ला व्यवसाय अपहरण का आरोपी गौतम सिंह हाथों में तख्ती लेकर किया पुलिस को सरेंडर। सरकार कार्यवाही से अपराधियों में दिखा खौफ। गोंडा पुलिस ने आरोपी गौतम सिंह को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही में जुटी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूँ और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। आप सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, गोली मुझे मत मारिए सर। कहाँ का रहने वाला है? ताबेपुर सर। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। पिताजी का क्या नाम है? राजेश्वरी सिंह सर। क्या घटना कर दी थी तुमने? गल्ला व्यापारी को उठाया था सर। कहाँ से? भवनान से सर। और कौन कौन थे तुम्हारे साथ? राजकुमार, शिवम, जुबेर और हम। तुम इतना कैसे डर गए? ये गोली मारने का सुन के सर, कप्तान साहब गोली मारने। अच्छा अच्छा, तो तुमने अपने घर वालों को बताया होगा? जी सर, अपने घर वालों को बोले भैया लाके हमको आत्मसमर्पण करवा रहे हैं।